हाँ देखिए, अब मतलब अगर दिल्ली में हम पिछले उसको देखें तो अब नवंबर से, 1 नवंबर से अगले जो 15-20 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। अभी जो साइंटिस्ट का कहना है कि अभी जिस तरह से टेम्परेचर डाउन जा रहा है और हवा की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है, ऐसे में जितने पोल्यूटेंट हैं वो काफ़ी नीचे हैं। अभी कल जो है वो लगभग 350 AQI पहुंचा था। दिल्ली में जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उन पे जो अलग अलग काम हो रहे हैं उससे काफ़ी जगहों पे तो चीज़ें जो हैं वो नियंत्रण में आई हैं। कुछ जगहों पे जैसे 4-5 हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे ख़ासतौर से जो है वो व्हीकल पोल्यूशन का उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है उसको लेकर के, और पूरे दिल्ली के अंदर जो ग्रेप 2 को हम लोगों ने लागू किया है जगह जगह, उसके लिए आज हमने सभी जितने संबंधित विभाग हैं उनकी 1 बजे समीक्षा बैठक रखी है कि अभी कहाँ कहाँ कमी रह जा रही है उसको और ठीक किया जाए, जिससे कि और युद्ध स्तर पे जो काम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को पूरा किया जा सके। लेकिन सर यहाँ अभी विश्वविद्यालय एरिया में ही 391 AQI जाती है, 400 की, यहाँ तो कोई बसों का ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो नहीं, वहाँ पे अलग अलग कारण है तो उसको आज हम मीटिंग में हमने सब जगह से रिपोर्ट मंगाई है कि जो पर्टिकुलर जहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लोकल सोर्सेज क्या हैं, फिर उसके अनुसार आज हम मीटिंग में निर्णय लेंगे। आज, क्योंकि 1 नवंबर है सीए के उनके निर्देश के अनुसार आज से जो PS6 और इलेक्ट्रिक CNG के अलावा गाड़ियाँ दिल्ली में प्रतिबंधित है, उसे लागू कराने के लिए क्या कुछ कदम उसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने पहले ही, CAQM ने उससे पहले सभी राज्यों को इसके लिए सूचित कर दिया था, जो उसके अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को नोटिस भी दिया है और आज से अलग अलग जगहों पर टीमें जो है उसको मॉनिटर करेंगी। कैसे, मतलब ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली को ऐसी गाड़ियाँ ना मिले? नहीं, ये बॉर्डर पे अलग अलग जहाँ एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पर जो है उसको मॉनिटर करेंगी। हमारा निवेदन तो राज्य सरकारों से है कि डिपो से ही जो या तो CNG की, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को ही भेजें, क्योंकि अगर वो भेज देंगे और बॉर्डर पर फिर यात्रियों को दिक्कत होगी, इसलिए राज्य सरकारों को CAQM का जो डायरेक्शन है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब क्योंकि सर धान की कटाई ज़्यादा तेज़ी से अब होने लगी है, क्योंकि इसका मौसम है, अब पराली जलने में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो आप लोगों ने जो मीटिंग में भी जो सभी राज्यों की मीटिंग में जो छोटी जो बातें कही थी उसका असर कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है ज़्यादा, पंजाब में भी पराली जल रही है। देखिए, अभी जो CAQM ने रिपोर्ट जारी की 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर का, उसमें पराली की संख्या तो कम हुई है लेकिन अभी भी जो पराली जल रही है उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से अब इस समय जो है दिल्ली के प्रदूषण पे पड़ना शुरू हो चुका है। तो उसको आगे कम किया जाए, इसके लिए काफी बातचीत कर रहे नहीं, इसके लिए तो बातचीत तो हम लगातार कर रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसी साल कम किया जा सके।